dear students welcome to the channel alpha excellence so today i'm going to teach you zoology of class 11th and the name of the chapter is animal kingdom but before starting the video do not forget to like share and subscribe to the channel alpha excellence and this is the part 1 of animal kingdom so the topics to be covered in this chapter are bases of classification non codates and chordates

they are not made up of single cells they are made up of many cells and gejo uh, mode of nutrition show karte hai, that is heterotrophic Mode of nutrition heterotrophic mode of nutrition means aise ऐसे विच depend on another organisms for their food जो depend करते हैं अब दूसरे organisms pe अपने खाने के लिए जो अपना खाना खुद बना नहीं सकते but वो दूसरे organisms pe depend करते हैं अपने खाने के लिए उन्हीं को हम बोलते हैं heterotrophic लेकिन इसमें ऐसा type आता है कि heterotrophic holozoic type of organisms होते हैं ये holozoic means जो क्या करते हैं जो होलोजोइ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इट इन्वॉल्व द इंजेशन ऑफ फूड जिसमें इंजेशन ऑफ फूड जो होता है वो इन्वॉल्व होता है तो प्लस इसमें प्रॉपर डाइजेशन प्रॉपर एस्टिमुलेशन एंड प्रॉपर अब्जॉर्बशन ऑफ फूड होता है आफ्टर दैट दे शो लोकोमोशन दैट मीन्स ये जो इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं देर ऑल आर लोकोमोटरी ऑर्गेनिजम्स दैट मीन्स वो जो होते हैं दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो लोकोमोशन शो करते हैं आफ्टर दैट उनकी हैबिट आट कि मतलब वो कहाँ पर रहते हैं तो ये जो होते हैं है, हमारे ऑर्गेनिजम्स जो भी इंक्लूड होते हैं हमारे किंगडम मैनमिलिया में ये होते हैं इनका जो हैबिटेट होता है वो होता है और कुछ टाइप्स का जैसे कि आप देखिए एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल आर्बोरियल एंड एरियल तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच कैन जो पानी में होते हैं जो पानी में रहते हैं एंड इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स फ्रेश वाटर और इट कैन बी ऑफ मरीन वाटर तो इसकी एग्जाम्पल्स जो होती है वो होती है फिश एंड आफ्टर दैट इज़ टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल वाले ऑर्गेनिजम्स तो टेरेस्ट्रियल वाले जो होते हैं वो और ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लैंड पे रहते हैं जिसमें इंक्लूड ह्यूमस भी होते हैं जिसमें इंक्लूड, है, जिस इंक्लूड कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो टेरेस्ट्रियल होते हैं मतलब वो लैंड पे रहते हैं आफ्टर दैट इज आर्बोरियल आर्बोरियल मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच ट्री जैसे कि जो ट्री पे होते हैं एग्जाम्पल हमारी जो आती है इसमें मंकीज आती है जो कि ट्री पे रहते हैं आफ्टर दैट इज एरियल एरियल मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे हवा में होते हैं एयर में होते हैं एरियल मीन्स एयर सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं एरियल वाले ऑर्गेनिजम्स इसमें हमारी एग्जाम्पल जो आती है वो आती है बर्ड्स ओके फाइलम किंगडम एंड मीलिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फॉलोइंग फाइलम्स तो हमारे किंगडम एंड मीलिया जो होता है वो फॉलोइंग कुछ ऐसे फाइलम्स में डिवाइड हो गया है जैसे कि फाइलम पोरेफेरा फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा फाइलम प्लाटी हेलमिन फाइलम एस फाइलम ऑर्थोपोडा फाइलम औरपोड़ा फाइलम काइनोडोमेटा फाइलम हेमिकॉर्डेटा एंड फाइलम कॉर्डेटा तो हमारे सब फाइलम्स जो होते हैं इंक्लूड होते हैं हमारे किंगडम एंड मिलिया में जिसमें से फ्रॉम फाइलम पोरे फेरा टो फाइलम हेमिकॉर्डेटा दैट मीन्स जितने भी हमारे अब जितने भी हमारे फाइलम है फ्रॉम फाइलम पॉरे फेरा टो फाइलम हेमिकॉर्डेटा वो सब जो होते हैं वो हमारे नॉन कॉर्डेट है लेकिन जो हमारा ये कॉर्डेट है ये लास्ट वाला तो ये कॉर्डेट है हमारा ओके okay, बट जितने भी हमारे फ्रॉम फाइलम पोरे टू फाइलम हेम कॉर्डेटा जितने भी हमारे फाइलम्स होते हैं ये सब जो होते हैं हमारे नॉन कॉर्डेट्स होते हैं तो इसको आपको जो है ऑर्डर में ऐसे ही याद रखना है पहले फाइलम पोरेफेरा फेसिलटा फिर टीनोफोरा क्यों इनको एसिड डिवाइड किया गया है इनको ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेक्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ कम्पलेक्सटी जो है इनको डिवाइड किया गया है फाइलम्पोरेफेरा की अगर हम बात करें तो फाइलम पोरेफेरा में क्या होते हैं हमारे प्रमेटिव ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी उतनी नहीं होती है जो कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रमेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी उतनी नहीं होती है मतलब उनका सिस्टम उतना एडवांस नहीं होता है तो अगर हम ऐसी कॉडेटा कौ, देखें जो हमारा लास्ट वाला फाइल है मैं कॉडेटा उनमें कॉम्प्लेक्सिटी उनमें एडवांसमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है दैट मीन्स अगर हम देखें डाउन द ग्रुप जो होती है एडवांसमेंट और वी कैन से कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो इंक्रीज़ होती है इन फाइलम्स की कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो इंक्रीज़ होती है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पॉफ्रेंस की बात करें पॉरेफ्रेंस में क्या होते हैं सिर्फ वो सेल के बने होते हैं बट अगर हम कॉडेटा की बात करें हमारे कॉडेटा में चारों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो प्रेजेंट होती है सेलुलर लेवल भी प्रेजेंट होती है ऑर्गन लेवल भी होती है ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट होती है एंड टिशू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो प्रेजेंट होती है बट अगर हम पॉफरेंस की बात करें तो पॉरेफेरेंस में क्या होता है सिर्फ एक टाइप ऑफ द सेलुलर लेवल है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो प्रेजेंट होती है तो इसीलिए कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो बढ़ जाती है डाउन द ग्रुप एंड इसीलिए इनको इन ऑर्डर जो है वो याद करना जरूरी है तो ये सब जो है आपको आगे जाके पता चलेगा ओके नाउ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कितने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं पहला जो होता है हमारा सेलुलर लेवल दूसरा जो होता है टिश्यू लेवल आफ्टर दैट इज ऑर्गन लेवल एंड देन एज ऑर्गन सिस्टम लेवल दैट मीनस ये सारे जो होते हैं ये हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो सेलुलर लेवल मीन सेल्स आर अरेंज एज एग्रीगेट्स दैट मीन्स सेल्स जो होती है वो एग्रीगेट होती है मतलब बहुत सारी सेल्स जो होती है वो मिलकर उसको हम बोलेंगे सेलुलर लेवल दैट मीन्स जो सेलुलर लेवल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें क्या होता है इनमें सेल्स जो होती है वो ऐसे ज्वाइन करती है एंड वो जो होती है इनमें जो होती है ओनली सेल्स प्रेजेंट होती है दैट मीन्स इनमें कोई भी टिश्यू इनमें कोई भी ऑर्गन इनमें कोई भी ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है बट इनमें सेल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है इन एग्रीगेट फॉर्म मतलब एग्रीगेट मीन्स मिलकर प्रेजेंट होती है ऐसे एग्रीगेट मीन्स मिलकर जब सेल्स प्रेजेंट होती है दे आर दिस इज़ नोन एस एग्रीगेट फॉर्म तो ये हमारे पॉफेरेंस में होती है क्योंकि पॉफेरेंस जो होते हैं हमारे बहुत ज़्यादा प्रमेटिव ऑर्गेजम्स होते हैं दैट मीन्स उनमें जैसे ऑलरेडी मैंने आपको इससे पहले भी बोला कि वो हमारे प्रमेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनमें कोई भी ऑर्गन

मतलब ये सेल्स जो होती है आप उसमें अरेंज हो जाती है एंड फिर ये अगर आप यहाँ पर देखें तो हम जो है यहाँ पर पहले देखे पोरेफेरेंस आ गया जिसमें सेलुलर लेवल है उसके बाद टीनोफोरा सेलन टेट्स आ गया तो ये जो होता है ये हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि मतलब कौन सा कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्रमेटिव है तो उसमें जिसमें सिर्फ सेल्स ही प्रेजेंट है जैसे हमारे पोरेफेरेंस एंड कौन सा उससे थोड़ा ज़्यादा है जिसमें टिश्यू लेवल प्रेजेंट है तो वो होते हैं टिश्यू लेवल भी प्रेजेंट है सेलुलर लेवल भी प्रेजेंट है एंड वो आते हैं हमारे सीलेंटेट्रा और टेनोफोरा तो इसलिए इसको हमें वाइज याद रखना है सो दैट की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से जो है हम ऑर्गेनिजम्स का बोल सकें आफ्टर दिस इज ऑर्गन लेवल ऑर्गन लेवल जो होता है टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज जो होते हैं वो ग्रुप uh, करते हैं टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स ठीक है जो हमारे टिश्यूज होते हैं वो फर्दर ऑर्गन्स को बनाते हैं तो ये इसमें जो हमारी एग्जाम्पल आती है दैट इज़ प्लेटी हेलमिनथीज प्लेटी हेलमिनथीज जो आती है हमारी ऑर्गन लेवल की एग्ज़ाम्पल आती है दैन आफ्टर दैट इज़ ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन सिस्टम देखिए तो हमारे हायर एनिमल्स अगर हम देखें कॉर्डेट्स उनमें ये पॉसिबल है क्योंकि हमारे हायर एनिमल्स जो होते हैं ऑर्गन जो होते हैं फिर वो फर्दर ऑर्गेनाइज़ करते हैं टू फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम तो हमारे ऑर्गन जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं टू फॉम द ऑर्गन सिस्टम तो इसकी हमारी एग्जाम्पल आती है एस की हेलमेथीज़ एनोलीडा औरडा इनोजामेटामोलिस का कॉर्डेट्स तो ये जो होते हैं हमारे हायर एनिमल्स में जो होती है ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो हमें दिखते हैं ओके डाइजेस्टिव सिस्टम और द बॉडी प्लान तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी ऑफ टू टाइप्स देखिए हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पॉफेरेंस को हम बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ये आप समझिए कि ये एडवांस लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि पॉरेफेन्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रेमेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट्स पर हम उसको पहले तो रखते तो हैं इसीलिए उस वो जो है उनके पास कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है तो इसीलिए हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैविंग ओनली सिंगल ओपनिंग तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है सिंगल ओपनिंग मीनस जहाँ पे एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फूड दोनों हो जाते हैं दैट मीन्स एक सिंगल ओपनिंग के थ्रू खाना अंदर जाता भी है और खाना वहाँ से बाहर आता भी है तो अगर आप इसकी यहाँ पे साइड पे डायग्राम देखें ये जो है इसका ये सिंगल ओपनिंग है यहाँ पर जो येल्लो से मैंने मार्क किया है ये हमारी सिंगल ओपनिंग है इस ऑर्गेनिज्म में यहाँ से इसका जो खाना होता है वो एंटर भी होता है एंड इसका खाना जो होता है वो एग्जिट भी होता है दैट मीन्स इसका कॉमन पैसेज फॉर द एंट्री ऑफ द फूड एंड द एग्जिट ऑफ द फूड तो इसका ये सिंगल ओपनिंग जो होता है इसका ये एक ही ओपनिंग जो होता है ये एक्ट कर है एज अ माउथ भी और एज अनस भीट मीनस यहाँ से खाना आता भी है और खाना जाता भी है आफ्टर दैट इसकी एग्जाम्पल्स जो है वह हैलमथीस आफ्टर दैट इज दूसरा टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम सो इन कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है टू ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है एक होती है माउथ एंड दूसरी होती है एनस जैसे अगर हम देखें इंसान में देखें तो हमारे पास क्या होता है हमारे हम जो रहते हैं खाना अपना माउथ से लेते हैं एंड इसको पास आउट करते हैं थ्रू अलग वाली जगह सो so, इसको हम बोलते हैं हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें टू ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है एक होती है हमारी माउथ थ्रू विच एंट्री ऑफ फूड जो होती है वो हो जाता है और होता है हमारा एनस जिसके थ्रू जो होता है जो एग्जिट करता है ओके okay. एग्जाम्पल जो आती है इसमें हमारी एसकी हेलमेंथीज टू तो फाइलम कॉर्डेटा जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं फ्रॉम एस की हेलमेंथीज फ्राम फाइलम एस की हेलमेंथीज में जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स टू तो फाइलम कॉर्डेटा जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं हमारे इस कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में यू विल सी द डायग्राम ऑफ दिस कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एज़ यू कैन सी इस डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या एनस जो होता है वो अलग अलग जगह पर प्रेजेंट है एंड हमारा माउथ जो होता है वो यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है तो इसमें हमारी एंट्री ऑफ फूड के थ्रू द माउथ एंड देन ये फिर आहिस्ता आहिस्ता जो होती है हमारी बॉडी में फूड जो होता है वो पास होता है आफ्टर दैट इज़ पास्ड आउट थ्रू द एनस तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द सर्कुलेटरी सिस्टम तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है यहाँ हमारे किंगडम एनिमल मिलेट्री ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें दो टाइप्स का होता है एक तो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दूसरा जो होता है हमारा वो होता है हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम यह हमारा हार्ट है यहाँ पे ये यह जो है यहाँ पे हमारा हार्ट है एंड ये जो है हमारी यहाँ पे आर्टरी है एंड यहाँ पे हमारा ये जो है वेन है ओके okay, ये हमारी वेन है ये वाली साइड की तो क्या होता है हार्ट में जो होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स होती है तो हमारी दो ब्लड वेसल्स जो प्रेजेंट होती है वो हमारी होती है एक तो आर्टरी दूसरी होती है वेन आर्टरी का, का काम होता है टू टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन का काम होता है टू टेक ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट तो ये हमारे इस आर्टरी और वेन का काम होता है तो हमारे यहाँ पर क्या होता है हमारे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो होता है जो ये ब्लड होता है ये होता है इनडायरेक्ट डायरेक्ट विद द सेल्स एज यू कैन सी यहाँ पर आप देखें यहाँ पे जो होती है कोई भी कैबलरीज जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है एंड सेल्स जो होते हैं सेल्स के साथ डायरेक्ट कंटैक्ट में होता है हमारा ब्लड तो सेल्स के साथ और टिश्यूज़ के साथ जो होता है ब्लड जो होता है वो डायरेक्ट कंटैक्ट में होता है दैट मीन्स वहाँ पे क्या होता है ब्लड जो होता है ना वो डायरेक्टली फ्लो करता है इन द कैविटी कैविटी मीन्स ओपन स्पेस तो यहाँ पे जो अगर अगर हम देखें यहाँ पे हार्ट से जितना भी ब्लड है वो हमारे इस कैिटी में यानी कि हमारे इस खाली वाली जगह में खाली स्पेस में जो होता है ब्लड जो होता है वो फ्लो करता है और ब्लड होता है इज इन डायरेक्ट कंटैक्ट विद द सेल्स ठीक है इसको हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ओके ओपन टाइप तो हमारे इन विच द ब्लड इज पंपड आउट ऑफ द हार्ट जिसपे ब्लड जो होता है वो हार्ट से पम्प होता है एंड द सेल्स एंड द टिश्यूज इन एट ओके दैट मीन्स जिसमें सेल्स और हमारे टिश्यूज जो होती है वो डायरेक्टली भेद इन करती है विद द वो ब्लड के साथ जो होती है वो मिक्स होती है इसमें जो हमारी एग्जाम्पल्स आती है वो आती है ऑर्थोपोड्स मिलस्कास एक्काइनोडर्म्स एंड एंड सम लोवकॉडेट्स लाइक ट्यूनिकेट्स ये जो होते हैं एज द एग्जाम्पल्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम अगर आप यहाँ पे देखें पॉफेनस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू क्योंकि वो हमारे प्रमेटो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ये सर्कुलेटरी सिस्टम भी बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है ओके नाउ मूविंग ऑन टू द क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वैसे बेरिंग डायमीटर्स आर्टरी इज बज एड ब्लड कैपेलरीज दैट मीन्स हमारे क्लोज टाइप सिस्टम में क्या होता है कैपेलरीज के थ्रू बेन्स के थ्रू आर्टरीज आर्ट्रीज के थ्रू जो होता है वो ब्लड जो होता है वो टूवर्ड्स द हार्ट चला जाता है एंड अवे फ्राम द हार्ट चला जाता है दैट मीस अगर आप इस डायग्राम को देख क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाले डायग्राम को यह हमारे पास यहाँ पर हार्ट है एंड यहाँ से भी हमारे ब्लड वैसेल्स प्रेजेंट होते हैं वेन भी प्रेजेंट होती है और आर टे भी प्रेजेंट होती है तो वेन का काम सेम होता है आर टे का का काम भी सेम होता है तो इस पर क्या होता है ये जो होती है यहाँ पर हमारी कैपलरीज प्रेजेंट होती है तो हमारे जो ये तो ब्लड जो होता है हमारा इंडायरेक्ट कंटैक्ट विद द सेल्स नहीं होता है तो ये सेल्स जो होती है ये बिल्कुल भी कंटैक्ट में नहीं होती है ब्लड के साथ तो ये कैपलरीज में जो होता है ये ब्लड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हमारे सेल्स के साथ जो होता है वो बिल्कुल भी इनका डक्ट नहीं होता है अगर हम देखें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो होती है इज प्रेजेंस ऑफ आर्टरी भी प्रेजेंट है वेन भी प्रेजेंट है एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में उधर भी आर्टरी प्रेजेंट है उधर भी वेन प्रेजेंट है एंड इस पर क्या होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में लेकिन कैपिलरीज जो होती है यहाँ पे वो एबसेंट होती है तो ब्लड इज़ इन डायरेक्ट कन्टैक्ट विद द सेल्स एंड द टिश्यूज लेकिन यहाँ पे जो होती है कैपिलरीज होती है वो प्रेजेंट होती है सो द ब्लड इज़ नॉट इन कंटैक्ट विद द सेल्स और द टिश्यूज

डिवाइड करें एक ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड करें तो क्या वो जो होती है एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को अगर हम डिवाइड करें तो क्या वो उसकी बॉडी जो होती है वो डिवाइड होती है या नहीं होती है दैट इज़ नोन एज बॉडी सिमेट्री सो ये हमारी बॉडी सिमेट्री जो होती है इट इज़ ऑफ थ्री टाइप्स दैट इज़ ए एंड वन इज रेडियल सिमेट्री थर्ड वन इज़ द बाइलेट्रल सिमेट्री तो पहला जो होता है हमारा वो होता है ए एमेट्री क्या होता है जिसमें ऐसे मतलब ऑर्गेनिज्म जिनमें कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती है उसको हम बोलते हैं एसीमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म ओके वैन एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड द बॉडी इन मल इंटू टू इक्वल हाफ्स एक प्लेन जो होता है वो पास करता है थ्रू द सेंटर वो एबल नहीं होता है मतलब वो बॉडी को जो होता है इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं करता है क्योंकि उनकी फिक्स शेप होती ही नहीं है तो फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे जैसे हमने दी है एग्जाम्पल एसीमेट्री की जैसे यहाँ पर ट्री है इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रहा है जैसे इसका ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे थोड़ा ऐसे है तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रहा है सेम अगर आप इस वाले ट्री में भी देखें तो इस पर भी जो होता है ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड बिल्कुल भी नहीं हो रहा है अगर हम इसको डिवाइड करते भी है तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होता है उसी को हम कहते हैं ए सीमेट्रिकल सेमेट्रिक दैट मीन्स ये वाला साइड जो है इसका ये थोड़ा अलग है ये अलग है एंड इसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं है दैट्स ये जो होता है ये डिवाइड नहीं करता है इन टू इक्वल हाफ्स उसके बाद इसकी जो एग्जाम्पल है दैट इज मोस्ट ऑफ द स्पंज आर स्पॉन्स आर ए समेट्रिकल जो भी हमारे स्पॉन्स होते हैं पॉरेफर में जो इंक्लूड होते हैं दे आर ऑल ए समेट्रिकल दैट मीन्स प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स उसके बाद जो आती है रेडियल सिमेट्री रेडियल सिमेट्री मीन व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स एनिमल इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स और बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी डिवाइड्स द बॉडी इनटू इक्वल हाफ्स मीन कोई भी ऐसा प्लेन जो रेडियस होता हो रेडियस से होता हुआ जाकर सो दैट इट डिवाइड्स इन टू इक्वल हाफ्स दैट मींस जो एक टू तो इक्वल तो हाफ्स में डिवाइड हो दैट मीन्स जिनकी बॉडी जो है वो दो इक वाला हाउस में डिवाइड हो उसी को हम कहते हैं रेडियस जिमिट्री जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए तो ये जो है हमारी रेडियस सिम, रेडियल सिमिट्री की जो होती है एग्जाम्पल है तो so, इस पर आप देख सकते हैं बॉडी जो होती है टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रही है फिर चाहे हम इसको यहाँ से कट करें यहाँ से कट करें यहाँ से कट करें तो रेडियल सिमेट्री में जो है यहाँ पे हम कहीं से भी कट करें लेकिन हमारे पास फिर भी इक्वल हाफ्स में ये ऑर्गेनिज्म जो होता है ये रेडियल सिमेट्री में डिवाइड होगा ओके इस इसमें ऑर्गेनिज्म जो है जिससे अगर हम इसको यहाँ से कट करें कहीं से भी कट करें तो ये इक्वल हाफ्स में ही डिवाइड होगा उसी को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री तो ये रेडियल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये क्या होते हैं ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होते हैं दैट मीन्स सबस्ट्रेटम जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं उनको हम कहते हैं सिस्ल ऑर्गेनिज्म्स। तो इनकी रेडियल सेमेट्री जो होता है इनको हेल्प करता है टू टेक ऑफ फूड ऑल डायरेक्शंस। रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल इज हेल इन ट्रीट्स टीनोफोराज एंड एकाइनोडर्मिट डर्म्स जो अडल्टाइनोडर्म्स होते हैं आफ्टर दैट इज़ बाइलेट्रल सिमेट्री बायोलेट्रल सिमेट्री जो होती है एक टाइप की एडवांस सिमेट्री होती है ओके वन द बॉडी ऑफ बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हर्ज इन वन प्लेन और वी कैन से बॉडी कैन डिवाइड बाई ओनली वन प्लेन ओके बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू इक्वल हाउस बाई ओनली वन प्लेन जब एक प्लेन से बॉडी जो होती है टू इक्वल हाउस में डिवाइड होती है उसी को हम कहते हैं बायोलेट्रल सिमेट्री इसमें जो हमारी एग्जाम्पल आती है वो आती है फाइलम प्लेटी हेलमिन थीज टू फाइलम कॉर्डेटा वो सब जो आते हैं वो हमारे इस बाइोलेटरल सिमेट्री शो करते हैं तो जैसे यहाँ पर डाइग्राम है कर है दैट ये जो होती है जैसे बाई बटरफ्लाई या फिलोपस्टर्स डॉर्स ऑफ फिला फ्रूटफ्लाई ह्यूमस जो होती है ये सब जो है अगर हम देखें इनमें जो होती है क्या होती है बाईलेटरल सिमेट्री होती है तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड होते हैं और सिंगल प्लेन के थ्रू जो होते हैं हम हमको कट कर सकते हैं और ये जो होते होल हाफ्स में डिवाइड होते हैं यानी हम बोलेंगे ऐसे बॉडी कैन डिवाइड इन टू इक्वल हाफ्स बाय ओनली वन प्लेन ओके वेयर द बॉडी कैन डिवाइड बाय ओनली वन प्लेट जॉमिनल लेर्स जॉमिनल लेर्स में क्या होता है आप जॉमिनल लेयर्स बोले या जॉम लियर्स बोले एक ही बात है तो जॉमिनल लेअर्स में क्या होता है डरिंग सेक्चुअल रिपोर्टन जो हमारे मेल गमीट और फीमेल गमीट जो होते हैं वो फ्यूज करते हैं मेल गमीट हमारा स्पर्म एंड द फीमेल गमीट दैट इज ओआ ये जो होते हैं ये फ्यूज करते हैं एंड एक सिंगल स्ट्रक्चर सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बनाते हैं जिसको हम कहते हैं जाइगोड दैन ये साइगोड जो होता है ये क्या करता है ये फिर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है दैट इस एम्ब्रियो दैन अल्टीमेटली ये एम्ब्रियो जो होता है ये क्या करता है ये ऑर्गनस को हमारे बनाता है एंड इसी प्रोसेस को हम कहते हैं गैस्ट्रोलेशन गेस्ट्रिलेशन में क्या होता है इसमें तीन हमारी जर्म लेअर्स जो होती है वो हेल्प करती है हमारे जर्मिनल लेअर्स होती है जो हेल्प करती है हमारे ऑर्गन को बनाने में दैट इज एक्टोडर्म एंडोडर्म एंड द मीजोडर्म तो हमारे पास इसके बेसिस पे जर्मिनल लेयर्स के बेसिस पे हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट इज डिप्लोब्लास्टिक एंड द ट्रिप्लो ब्लास्टिक डिप्लोमीन्स टू ट्रिप्लोमीन्स थ्री दैट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ दो लेयर्स प्रेजेंट होती है दैट आर उनको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स एंड ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें तीन लेयर्स प्रेजेंट होती है तीन जॉमिनल लेयर्स प्रेजेंट होती है दे आर कार्ड लस ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स इन विच सेल्स आर अरेंज इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स दैट इज एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म इज इंटरवेनिंग अनडिफ्रेंशिएटेड मेसोग्लिया सी एग्जाम्पल चिल्ड्रेन रेट्स एंड द टीनोफोरास दैट मीन्स डिप्लो लेयर जो होती है अगर आप यहाँ पर डायग्राम में भी देखें तो इसमें सिर्फ हमारी बाहर की लेयर प्रेजेंट होती है आउटर लेयर दैट इज इज एक्टोडर्म एंड द इनर लिए ब्लैक से जो बनाकर इन एंडोडर्म तो ये होती है हमारे और में सिर्फ दो दो लेयर्स प्रेजेंट होती है एंड ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है अगर आप बीच बीच में देखिए जो पिंक से कर है तो ये जो होता है हमारा अनडिफ्रेंशिएटेड मिजॉग होता है मतलब एक सबस्टेंस ये जली लाइक सबस्टेंस प्रेजेंट होता है इनके बीच में इंटोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक जली लाइक सबस्टेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं उसके बाद अगर हम ट्रिपलो प्लास्टिक की बात करें ट्रिपलो प्लास्टिक में क्या होता है ट्रिपलो प्लास्टिक जो होते हैं दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज थर्ड जर्मिनल लेयर इनमें जो होती है एक एक्स्ट्रा जर्मिनल लेयर होती है एक एडिशनल जर्मिनल लेयर होती है जिसको हम मीजोडर्म कहते हैं विच इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म तो ये जो होती है ट्रिपलो प्लास्टिक अगर हम देखें इसमें भी प्रेजेंट होता है एक्टोडर्म विच इज द आउटर लेयर एंडोडर्म प्रेजेंट होता है जो यहाँ पे ये इनर लेयर एंड इस पर जो होती है एक लेयर भी प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं मीजोडर्म द मीजोडर्म इज द मिड

तो बॉडी कैविटी सीलोम या फिर सीलोम जो होती है ये बॉडी कैविटी का मतलब होता है स्पेस बॉडी में जो स्पेस प्रेजेंट होती है उसी को हम कहते हैं बॉडी कैविटी तो ये बॉडी कैविटी जो होती है इट्स ऑफ थ्री टाइप्स एक तो होता है ए सीलोमेट्स दूसरा जो होता है हमारे पास वो होता है सीडोसीलोमेट्स एंड थर्ड वन इज सीलोमेट्स तो लेट्स सी ये क्या होता है एज यू कैन सी इन दिस डाइग्राम ये जो हमारे है हमारे पास सीलोमेट्स होते हैं तो इनके पास क्या होता है देखिए पहले हम इन तीनों की अगर बात करें इन तीनों में एक एक चीज़ कॉमन है दैट इनके पास एक्टोडर्म भी है और इनके पास एंडोडर्म भी है दैट मीन्स एक्टोडर्म इनके पास एक आउटर लेयर भी है एंड इनके पास एक इनर लेयर भी है दैट मीन्स अगर हम ये देखें ये जो है ये जो है ये है एक्टोडर्म एंड दिस इज द एंडोडर्म इस लेयर को हम बोलेंगे एंडोडर्म सो इस वाली लेयर को हम बोलेंगे एंडोडर्म और ये इन तीनों में कॉमन है दैट मीन्स सीडो सिलोमेट्स में भी सीलोमेट्स पे भी एंड हमारे ए सीलोमेट्स में ये दो लेयर्स जो होती है ये कॉमन होती है दैट मीन्स ये जो होती है ये इसकी एक्टोडर्म है सीलोमेट में इसकी एक्टोडर्म है एंड ये वाली जो है ये ब्लैक वाली ब्लैक से जो बना कर है ये हो गई इसकी एंडोडर्म एंड ये जो है यहाँ पे ए सीलोमेट्स में ये इसकी आ, ये पर्पल से बना के जो इसकी लेयर है दिस इज द एक्टोडर्म एंड जो ये अंदर से लेयर बना कर ये ब्लैक वाली ब्लैक से बना करे तो ये हो गई इसकी एंडोडर्म ये इन तीनों बॉडी कैविटी में कॉमन है उसके बाद देखो क्या होता है इसमें तो ये जो है यहाँ पे ये मीज़ोडर्म वाली सेल ये जो ये पिंक से बना कर है यहाँ पे ये मीजोडर्म वाली सेल्स है इसकी मीज़ोडर्म सेल्स जो होती है ये है ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे बना के इसको मीज़ोडर्म और ये वाली इसकी मीज़ोडर्म सेल्स है तो क्या होता है ऐसी बॉडी कैविटी जिसमें स्पेस भी प्रेजेंट हो और जिसमें मीज़ोडर्म भी प्रेजेंट हो और वो मीज़ोडर्म सेल्स जो होती है वो उस बॉडी कैविटी को लाइन करती है उसको हम कहते हैं सीलोमीटर तो है दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे बॉडी कैविटी भी है दैट मीन्स ओपन स्पेस भी प्रेजेंट है हमारी मीजोडर्म सेल्स भी प्रेजेंट है एंड ये मीजोडर्म सेल्स जो होती है लाइन करती है हमारी इस बॉडी कैविटी को तो हम इसको कहते हैं सीलोमीट्स सीडोसीलोमीट्स का मतलब हो गया सीडोमीन्स फॉल्स ओके सीडो मीन्स फॉल्स इसमें क्या होता है कि ये जो मीचोडम सेल्स जो होती है ये इन द फॉर्म ऑफ ऐसे पाउट्स जो होती है ये प्रेजेंट होती है इट इज प्रजेंट इन द फॉर्म ऑफ पाउट्स तो ये जो होती है इस पर हमारी स्पेसिस तो प्रेजेंट होती है इस वाले सीडोसिलोमेट्स में तो हमारी स्पेसिस प्रेजेंट होती है दैट मीन्स इस हमारी बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है इस पर हमारी मीजोडर्म सेल्स भी प्रेजेंट होती है लेकिन जो मीजोडर्म सेल्स जो होती है वो हमारी बॉडी कैविटी को लाइन नहीं करती है तो इसीलिए इसको हम कहते हैं फॉल्स सीलोमेट्स दैट मीन्स अगर आप सीलोमेट्स पर देखो इसमें मीजोडर्म सेल्स प्रेजेंट है ये जो होती है इसकी यहाँ पे जो है पिंक सेवन आकर लेयर इट इज़ द मीजोडर्म सेल और इसमें बॉडी कैविटी भी प्रेजेंट है दैट मीन्स इनमें स्पेस भी प्रेजेंट है एंड प्लस ये जो होती है मिजोनॉम सेल्स जो होती है ये बॉडी कैविटी को लाइन करती है बट सीडोसिलोमेट्स -सी में क्या होता है यहाँ पर मीजोडम सेल्स जो होती है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पाउच प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स ये लेकिन इस पर जो होती है स्पेस प्रेजेंट होती है दैट मीन्स बॉडी कैविटी जो होती है इन प्रेजेंट होती है लेकिन मीजोडम सेल्स जो होती है वो यहाँ पर लाइन नहीं करती है हमारी इस बॉडी कैविटी को लाइक like इन सीलोमेट्स उसके बाद ए सिलोमेट्स ए सिलोमेट्स मीन्स एबसेंस ऑफ द बॉडी कैविटी एब्सेंस ऑफ द स्पेस इज कार्ल्ड एज ए सीलोमिट्स जहाँ पर एबसेंस ऑफ द स्पेस है दैट मीन्स अगर हम देखें इस पर जो होती है यहाँ पर कोई भी स्पेस जो है यहाँ पर जो पिंक से बना है इस पर कोई भी स्पेस जो है वो प्रेजेंट नहीं है इस पर कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है अगर आप देखें इसकी जो बॉडी कैविटी है इस पूरा फेल्ड बाई द मीजोडर्म सेल्स ठीक है इसकी बॉडी कैविटी जो है वो मीजोडर्म सेल से भर कर है इस पर कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है तो इसको हम बोलते ए सीलोमिट्स ए सीलोमीट्स मीन्स ए का मतलब ही हो गया एबसेंस एबसेंस ऑफ द बॉडी कैिटी इसमें मीजोडर्म सेल्स तो प्रेजेंट है बट इस पर जो होती है बॉडी कैविटी इस पर जो स्पेस जो होती है वो एब्सेंट होती है ए सीलोमेट्स एनिमल्स इन विच द बॉडी कैिटीज़ एबसेंट ऐसे एनिमल्स जिनमें बॉडी कैविटीज ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें बॉडी कैविटी जो होती है वो एबसेंट होती है जिनमें बिल्कुल भी जिनमें बिल्कुल भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होती है मीजोडर्म सेल्स तो प्रेजेंट होती है क्योंकि उस पर उनकी बॉडी कैविटी में क्या होता है उनकी बॉडी कैविटी पूरा लाइन करके होती है बाय द मीजोडर्म सेल्स उनमें कोई भी मीजोडर्म सेल्स जो होती है उनमें कोई भी स्पेसेस नहीं छोड़ती है दैट्स बाई उन, उनमें जो होता है क्या होता है बॉडी कैविटी जो होती है वो एबसेंट होती है तो एग्जाम्पल इज पॉरेफेरा द मोस्ट प्रवेटिव ऑर्गेनिज्म सीलेंट्रेटा टीनोफोरा एंड प्लाटीन हलमन उसके बाद आता है हमारा सीडोसीलोमेट्स इन सेम एनिमल्स बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाई मीजोडर्म इंस्ट द मीजोडर्म इज प्रेजेंट एस के थर्ड पाउट्स इन बिटवी द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म तो एज आई ऑलरेडी टोल यू इस पर मीजोडर्म सेल्स भी प्रेजेंट होती है बॉडी कैविटी भी प्रेजेंट होती है लेकिन डिफरेंस ये होता है कि इस पर जो मीजोडर्म सेल्स होती है लाट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पाउट्स तो इस पर जो होती है बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है मतलब स्पेस जो होती है वो प्रेजेंट होती है मीजोडर्म सेल्स भी प्रेजेंट होती है प्रेजेंट होती है बट मीजोडम सेल्स जो होती है दे डू नॉट लाइन द बॉडी कैविटी तो वो जो होती है लाइन नहीं करती है बॉडी कैविटी को तो इसको हम बोलते हैं सीरोसिलोमेट्स मतलब इट इज़ नॉट ट्रू सीरेमिट ओके okay, एग्जाम्पल जो आती है इसकी आती है एस की हेलमेंथीज उसके बाद आती है सीलोमेट्स एनिमल्स प्रोजेसिंग सीलोम द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइन बाई द मीजोडर्म ऑन ऑल साइड्स तो क्या होता है इस पर हा इसपे बॉडी कैविटी भी प्रेजेंट होती है सीलोमेट्स पर बॉडी कैविटी भी प्रेजेंट होती है मतलब स्पेस भी प्रेजेंट होती है एंड दैट स्पेस इज फुल्ली लाइन बाई मतलब पूरा जो होता है इट इज़ लाइन बाई मीजोडर्म सेल्स ऑन ऑल साइड्स ओके इसकी जो एग्जाम्पल जो आती है वो आती है एनलिट्स ऑर्थोपोडा मोलस्कास मुलस्कास इकाइनोडामेट्स हा कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस सीलोमेट्स के बाद आता है हमारा सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन मीन्स जो बॉडी जो होती है एक ऑर्गेनिज्म की वो डिवाइड हो गई होती है सेगमेंट्स में तो उसको हम कहते हैं सेगमेंटेशन इसमें जो आता है मेटामेरिज्म आता है इसको आप मेटामेरिज्म भी कह सकते हैं या मेटामेरिक भी कह सकते हैं जैसे एनल ऑर्थोपोर्स एंड कॉर्डेट्स ये जो होती है इन सब ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है इन दीज एनिमल द बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिडेड इन टू सेगमेंट्स विदीरियल रिपिटेशन ऑफ at least सेम ऑर्गन्स this is called as metameric segmentation and the phenomenon is called as metamerism that means, ये जो होता है कि ki is जो होती है एक ek की बॉडी जो होती है एक्सटर्नली और इंटरनली जो होती है वो सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई होती है and इसी को हम कहते हैं मेटामेरिज्म जैसे कि for example अगर आप देखें यहाँ पे ये जैसे अर्थ वम की इमेज है तो एज यू केन सी इसकी जो ये बॉडी है ये सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई है आप देख सकते ये कुछ हिस्सों में डिवाइड हो गया है एज यू कैन सी ये देखिए डिवाइडिंग बॉडी पार्ट्स इनटू सेगमेंट्स ये जो होता है इसको हम कहते हैं ये देखिए ये जो ये आप देख रहे हैं ना ये सेगमेंट्स पे डिवाइड हो गई तो इसी को हम बोलते हैं मेटामेरिक या फिर इसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन इस जो हमारे इकाइनोडामिट्स और हमारे मुलस्क जो होते हैं उनमें सेगमेंटेशन जो होती है वो एबसेंट होती है दैट मीन्स देयर बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इंटो सेगमेंट्स लेट्स मूव ऑन टू द नोटोकॉर्ड तो नोटोकॉर्ड जो होता है नोटोकॉर्ड मीन्स ये जो होता है नोटोकॉड जो होता है ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है ठीक है एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे हमारे अंदर होता है दैट मीन जब हमारा एम्ब्रियो जो होता है वो प्रेजेंट होता है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता है ये तो ये अभी प्रेजेंट नहीं होगा जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उन सब में प्रेजेंट होती है तो अगर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे नोटोकॉर्ड की डायग्राम बना के ये जो है यहाँ पे ये नोटोकॉर्ड होती है एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि मीजोडर्मली डिराइव्ड होती है एंड एंडोस्टे और बॉडी का एंडोस्केल

फाइलम पॉरिफेराटो फाइलम हेमिकॉडेटा वो सब जो है, होते हैं हमारे नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उन सब में ये नोटोकॉर्ड एबसेंट होती है तो हमारे जो कॉर्डेट्स होते हैं जैसे कि हाँ uh, एग्ज़ाम्पल हमारे जो होते कॉर्डेटा जो होती है कॉर्डेटा फाइलम कॉर्डेटा उन सब में जो होती है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है बिकॉज ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है एंड इनकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है और ये एडवांस लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम होते हैं दैट्स पॉइंट इनमें जो होती है नोटोकॉर्ड प्रजेंट होती है बाकी सारे नॉन कॉर्ड कॉर्डेट्स में जो होती है नोटोकॉर्ड एबसेंट होती है Okay, dear students, this was all from me, and I hope you like this video. Do not forget to like, share, and subscribe to the channel Alpha Excellence.